अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूं ज़ारा खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत से कट क्रीज प्लस स्मोकी आई मेकअप लुक शेयर करूंगी। चलिए जी, आई मेकअप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, क्रिस्टीन की कॉन्टोर किट से डार्क ब्राउन शेड लिया है और एक एंगल ब्रश की हेल्प से उसको अपने आईब्रोज पे जो है वो अप्लाई कर लिया है। इसके बाद एक स्पूली की हेल्प से मैंने इसको इवन किया है। इसके बाद आपने एक फ्लैट ब्रश लेना है और फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपने कंसीलर या आई बेस अप्लाई करनी है ताकि जो आईब्रोज के एजेस हैं उनको अच्छे से नीट कर लें। इस तरह कंसीलर अप्लाई करने से आपके जो आईब्रोज हैं वो बहुत ही अच्छे से इन्हेंस होते हैं और एक बहुत ही अच्छी और नीट लुक आती है। अच्छा, कंसीलर अप्लाई करने के बाद आपने प्रेस पाउडर अप्लाई करना है। प्रेस पाउडर जब भी आप अप्लाई करेंगी तो उससे ये होता है कि जो भी आप कलर लगाती हैं आई शेडो का, उससे उसकी पिगमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से इन्हेंस होती है, बहुत ही अच्छा उसका पिगमेंट आता है। इस तरीके से आपने अच्छे से आईब्रोज को नीट कर लेना है। इसके बाद मैंने क्रिस्टीन की कॉन्टोर किट से डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसकी थोड़ी सी अमाउंट अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई की है इस तरीके से। और जो ब्रश मैंने यूज़ किया है वो आइस कमिनी ब्लेंडिंग ब्रश था जो मैंने यूज़ किया है क्रीज एरिया के लिए। इसको अच्छे से आपने अप्लाई करना है कलर को इसके साथ, और इसके बाद आपने एक फ्लफी ब्रश लेना है और लाइट ब्राउन कलर के साथ इन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर देना। क्रीज एरिया में डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैंने ब्राउन कलर की थोड़ी सी और अमाउंट ली है ताकि मज़ीद जो है क्रीज एरिया वो इन्हेंस हो। इसके बाद एक फ्लैट ब्रश और कंसीलर की हेल्प से मैंने क्रीज को कट कर लिया है। इसके आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्राउन कलर अप्लाई किया है और ब्राउन कलर ही मैंने वाटर लाइन पे भी अप्लाई करके इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है। आई बाउल पे मैंने रेवोल्यूशन की पैलेट से पीची पिंक कलर ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है। इस तरीके से आपने नीटली इसको अप्लाई करना है दोनों आईज पे। मैंने कलर अप्लाई करने के बाद इनर कॉर्नर पे डल गोल्ड कलर अप्लाई किया है। मेकअप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, अब मैं लाइनर लगाऊंगी। अच्छा, लाइनर बिगनर्स के लिए लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अलहदा से एक मैं वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में आपको लाइनर लगाना सिखाऊंगी जहां आपने क्या करना है। लाइनर मैं विंग नहीं लगाऊंगी बल्कि स्मज लाइनर अप्लाई करूंगी। इनर से बारीक लाइन खींच के आउटर कॉर्नर पर जाके थोड़ा सा उसको मोटा करूँगी और ब्राउन कलर के साथ मैं उसको स्मज कर दूँगी। लास्ट में मैं जी मस्कारा लगाऊंगी, इसके बाद हमारी फाइनल लुक बिल्कुल रेडी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ।
इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।